ईदैन की नमाज है। जुमे की नमाज के बाद हम जो नमाजें पढ़ते हैं वो ईद उल फितर और ईद उल अजहा के मौके पर इज्तिमाई नमाजें पढ़ते हैं। ईद उल फितर और ईद उल अजहा के दिन भी मुसलमानों पर लाजिम है कि तुलू आफ्ताब के बाद और जवाल से पहले, वक्त इसका अलबत्ता जुमे से मुख्तलिफ है, उसमें तो जोहर की नमाज खत्म की जाती है और उसकी जगह दो रकतें पढ़ी जाती हैं, तो इसमें तुलू आफ्ताब के बाद और जवाल से पहले मुसलमान जुमे की तरह एक इज्तिमाई नमाज का एहतमाम करें। यानी जैसे जुमे के दिन इज्तिमाई नमाज का एहतमाम किया जाता है, इसमें भी यही सुन्नत है। इसका तरीका दर्ज ज़ैल है। ये नमाज यानी ईदैन की नमाज भी, ख्वाह वो ईद उल फितर की हो या ईद उल अज़हा की, दो रकत पढ़ी जाएगी। दोनों रकतों में क़िरात जहरी होगी, यानी इसमें भी ईद उल फितर की नमाज में भी और ईद उल अज़हा की नमाज में भी क़िरात सिर्री नहीं होती। कुरान बुलंद आवाज से, सूरह फातिहा और कुरान का जो हिस्सा मिलाया जाता है वो बुलंद आवाज से पढ़ा जाता है। क़याम की हालत में नमाजी चंद ज़ायद तकबीरें कहेंगे। असल सुन्नत यही है, यानी कुछ ज़ायद तकबीरें, वैसे तो तकबीरें कही जाती हैं खफ्ज़ रफा के मौके पर, आप नमाज शुरू करते हैं अल्लाह अकबर कहते हैं, रुकू में जाते हैं अल्लाह अकबर कहते हैं, ऐसे ही सजदों में जाते उठते हुए, लेकिन इस नमाज में, ईद की नमाज में, ख्वाह वो ईद उल फितर की हो या ईद उल अज़हा की, क़याम की हालत में नमाजी चंद ज़ायद तकबीरें कहेंगे। इस नमाज के लिए ना अजान होगी ना तकबीर कही जाएगी, इसमें सुन्नत यही है, ना अजान दी जाती है ना इसमें तकबीर कही जाती है। नमाज के बाद इमाम हाजरीन की तज़किर व नसीहत के लिए दो खुतबे देगा, बिल्कुल उसी तरह से जुमे में दो खुतबे दिए जाते हैं, नमाज ईद में भी दो खुतबे दिए जाते हैं, लेकिन वहां जुमे की नमाज से पहले और यहां ईद की नमाज के बाद। ये खुतबे खड़े होकर दिए जाएंगे, पहले खुतबे के बाद और दूसरा खुतबा शुरू करने से कबल इमाम चंद लम्हों के लिए बैठेगा। यानी बिल्कुल वही तरीका है जो जुमे के खुतबे के लिए मुकर्रर किया गया है। इस नमाज का खिताब और इसकी इमामत भी नमाज जुमा की तरह मुसलमानों के अरबाब हल्लोक भी करेंगे। यानी रसूलुल्लाह सल्लम के जमाने में, खुलफाए राशिदीन के जमाने में यही सुन्नत कायम रही कि मुसलमानों के हुक्मरान इस नमाज की इमामत करेंगे, और ये सिर्फ उन्हीं मकामात पर अदा की जाएगी जो उनकी तरफ से इस नमाज की जमात के लिए मुकर्रर किए जाएंगे और जहां वो खुद या उनका कोई नुमाइंदा इसकी इमामत के लिए मौजूद होगा। यानी ये दोनों नमाजें भी गोया रियासत के एहतमाम में पढ़ी जाएंगी। यूं समझ लीजिए कि हर हफ्ते में एक दिन और फिर साल में दो मरतबा ये बड़े इज्तिमात हैं जिसमें हुकूमत, रियासत, उसका नज़्म इज्तिमाई ये शरीक होते हैं। इस नमाज के लिए सुन्नत यही है, यही तरीका है जो मुकर्रर किया गया है। इसकी तकबीरों के बारे में ये बात अलबत्ता वाज़े रहनी चाहिए, यानी ख्वाह वो ईद उल फितर हो या ईद उल अज़हा, इनकी कोई तादाद मुकर्रर नहीं की गई, चंद ज़ायद तकबीरें कही जाएगी, बस ये सुन्नत कायम की गई है। मुसलमान अपनी सहूलत के मुताबिक किरात से पहले या उसके बाद जितनी तकबीरें चाहें कह सकते हैं, और इनके साथ रफा यदैन भी कर सकते हैं। यानी ये जो तकबीरें हैं इनके बारे में यही कायदा है। रवायतों से मालूम होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद मौकों पर पहली रकत में सात, दूसरी में पांच और बाद मौकों पर दोनों रकतों में चार चार तकबीरें कही। यानी गोया इनकी कोई मुकर्रर तादाद नहीं है, कभी आपने कम तकबीरें कहीं, कभी ज्यादा तकबीरें कहीं, इस पे कोई लड़ने की वजह नहीं है, जितनी तकबीरें अल्लाह तौफीक दे आप कह सकते हैं। इसी तरह ये बात भी वाजे रहनी चाहिए कि औरतें भी ईदैन की नमाज में मर्दों ही की तरह पूरे एहतमाम के साथ शरीक होंगी। इसमें ताकीद की हुजूर ने, उम्मे अतिया की रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लम ने हायजा औरतों के बारे में फरमाया वह नमाज न पढ़े लेकिन मुसलमानों की जमात और उनकी दुआ में जरूर शामिल हो। यानी इसमें ख्वातीन से भी कहा गया है कि वो भी एहतमाम के साथ शरीक हों और इस नमाज में आकर शामिल हों, ताकि मुसलमानों की दुआ में शामिल हो सकें और तज़किर व नसीहत जो की जा रही है उसमें शामिल हो सकें। तो ये दो नमाजों का हमने मुताला कर लिया। इसके बाद अब नमाज जनाजा है और फिर नफल नमाजों का बाब शुरू हो जाएगा, और इसके साथ ही नमाज से मुतल्लिक ये जो सूरतें मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ ये भी पाया तकमील को पहुंच जाएंगी। वाखर अल्लाह अलहमदिल्ला। नमाज के लिए मर्द का सर पर टोपी पहनना लाजिम है? जी कोई लाजिम नहीं है, ये तो अब मुसलमानों की एक आम रिवायत बन गई थी, इस वजह से लोग इसमें हसास हैं, ये कोई शरई हुक्म नहीं है। सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा रावी है कि आप घर में अकेले नमाज पढ़ रहे थे, हालत नमाज में दरवाजा खोला फिर बाकी नमाज मुकम्मल की, क्या अगर आदमी अकेला नमाज पढ़ रहा हो टेलीफोन की घंटी बजे तो आदमी किबला रुख होते हुए सिर्फ फोन पर अल्लाह अकबर या सुबहानल्लाह कहकर बाकी नमाज मुकम्मल कर सकता है? ये अगर बिल्कुल करीब टेलीफोन पड़ा हुआ है तो आप कर सकते हैं, ऐसे कोई हर्ज नहीं है।
نماز میں یکسوئی نہیں ہوتی، بہت کوشش کے باوجود خیالات تنگ کرتے ہیں، بار بار اپنی توجہ کو مجتمع کرنے کے بعد یکسوئی نہیں ہوتی، نماز میں دل کی حضوری کیسے حاصل ہو؟ پہلے تو ایک اصولی بات سمجھ لیجئے کہ نماز میں جب آپ وضو کر کے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کہا گیا کہ نماز کی طرف آؤ اور آپ چل کھڑے ہوئے، آپ نے رکوع کیا، آپ نے سجدہ کیا، نماز کے اعمال انجام دیے، بہت بڑا کام ہو گیا ہے، اس وجہ سے اس کو کم تر نہ سمجھیے۔ اب اس کے بعد بڑی اعلیٰ بات ہے کہ جو آپ نماز میں اذکار کرتے ہیں ان کو بڑے دل کی حضوری کے ساتھ کر سکیں، اس کی کوشش کرتے رہیے۔ لیکن یہ کہ اس کے لیے میں نے بھی کچھ چیزیں عرض کر دی تھیں اور پچھلے درس میں بھی بتا دیا تھا کہ کن کن چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، تاہم اس کو کوئی بڑی چیز سمجھ کر اس بڑی چیز سے محروم نہ ہو جائیں جو آپ کو حاصل ہوگی۔